हेलो एवरीबडी मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम हमारी हॉर्नबिल बुक का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लैंडस्केप ऑफ द सोल बाय नाथली ट्रूव रॉय अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये हमारी हॉर्नबिल बुक का सबसे छोटा चैप्टर है क्या पढ़ने वाले हैं अब इस चैप्टर में आइए देखते हैं सबसे पहले हम ऑथर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं देन उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि ऑथर क्या बोलते हैं हमें सो नाथली ट्रुवू रॉय इज एन आर्ट हिस्टोरियन हु केम इन लाइम लाइट बिकॉज ऑफ हर ट्रांसलेटेड वर्क सिटी ऑफ अ बुक ऑफ विलियम डैल रिम्पल तो जो नाथली ट्रुवू रॉय है एक आर्ट हिस्टोरियन है जो लाइमलाइट में आई यानी जो फेमस हुई और तब फेमस हुई जब इन्होंने सिटी ऑफ जिन्स करके जो बुक है जो मिस्टर विलियम डैल रिम्पल ने लिखी है उसको ट्रांसलेट किया है यानी उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है शी इज़ द वाइफ ऑफ बेल्जियन एम्बेसडर टू इंडिया शी हेज़ ट्रैवल्ड वेरियस सिटीज़ ऑफ़ द वर्ल्ड विथ हर हस्बैंड तो वो एक बेल्जियन एम्बेसडर की वाइफ रह चुकी हैं एंड उन्होंने अपनी अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे दुनिया के प्लेस में ट्रैवल किया यानी कि घूमा है शी होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्क्योलॉजी फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेल्जियन तो इनकी एजुकेशन क्या है इनके पास डिग्री मास्टर्स डिग्री है हिस्ट्री ऑफ आर्ट में एंड आर्क्योलॉजी आर्क्योलॉजी यानी कि हिस्टोरिकल चीज़ों को जो लोग पढ़ते हैं उन्हें हम आर्क्योलॉजिस्ट कहते हैं और कहाँ से इन्होंने पढ़ाया अपना एजुकेशन इन्होंने कहाँ से कम्प्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियन से इन्होंने कम्प्लीट किया है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर सबसे पहले मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ एक ओवरव्यू देती हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले तो ये जो चैप्टर है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसमें हम दो तरीके की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे एक है चाइनीज़ पेंटिंग्स और एक होती है यूरोपियन वन पेंटिंग्स यूरोपियन पेंटिंग्स यानी वेस्टर्न कल्चर की पेंटिंग्स भी आप इन्हें कह सकते हैं और इन दोनों पेंटिंग्स को पढ़ने के लिए हम दो से तीन कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे ताकि हमको पेंटिंग्स के बारे में समझ में आ जाए कि इन पेंटिंग्स की क्या महत्व है क्या इंपॉर्टेंस है आर्ट की दुनिया में ऑल्सो हम पढ़ेंगे कि कैसे चाइनीज़ पेंटिंग्स और कैसे यूरोपियन पेंटिंग्स एक दूसरे से डिफरेंट है दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर में हम पढ़ेंगे आउटसाइडर्स आर्ट यानी कि गेटिंग इनसाइड द आउटसाइडर्स आर्ट ये एक आर्टिकल है जिसका टाइटल है गेटिंग इनसाइड दी आउटसाइडर्स आर्ट ये किसने लिखा है मिस्टर बृंदा सुरी ने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ के लिए तो ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बात करी गई है आर्ट ब्रट नाम के एक कॉन्सेप्ट की या फिर रॉ आर्ट के नाम बारे में एक किसके बारे में बात करी गई एक ही बात है आर्ट ब्रट रॉ आर्ट एक ही बात है आर्ट ब्रट का मतलब ये होता है कि जो लोग आर्टिस्ट होते हैं जो लोग पेंटर्स होते हैं लेकिन उनके पास कोई अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है कोई अगर ट्रेनिंग नहीं करी उन्हें तो उनके पास कोई हक नहीं है आर्टिस्ट कहलाने का यानी कि इस दुनिया में आर्टिस्ट वही है जिसके पास कोई ट्रेनिंग है या कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट से जाके वो अपनी पेंट के बारे पेंटिंग के बारे में अपनी आर्ट के बारे में सीख के आया है तभी वो क्या है एक आर्टिस्ट है तो बृंदा सूरी इस आर्टिकल में लिखते हैं कि ऐसा क्यों कितने सारे आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में जो कितने फेमस हैं कितने क्रिएटिव हैं और उन्होंने कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग या कोई प्रोफेशनल से या किसी एक्सपर्ट से कुछ सीख कर नहीं आए हैं उन्होंने तो आउट ऑफ द बॉक्स सीखा है और वो पेंटिंग बन गए आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ले लो अगर मैंने मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया कोई ऐसा आइडिया आया कुछ आर्ट का कुछ पेंटिंग का आइडिया आया जो अभी तक किसी भी प्रोफेशनल पेंटर के दिमाग में नहीं आया और मेरे बारे में आया तो ये तो मेरी क्रिएटिविटी हुई ये तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया मैंने अपना ब्रेन यूज़ किया कुछ ऐसा सोचने में जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है और मेरे पास तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं है तो ये तो मेरी क्रिएटिविटी हुई तो मैंने यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा यानी कि मैंने वही पुराने धकियानूसी तरीके वही ट्रेडिशनल पुराने पेंटिंग के तरीक़ों से जो लोग दूसरे लोग सीखते हैं उनसे मैंने कुछ नहीं सीखा मैंने अपना ख़ुद का कुछ इनोवेटिव सोचा कुछ डिफरेंट सोचा जो अब तक प्रोफेशनल्स ने भी नहीं सोचा है यानी कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है तो मिसा बृंदा सूर्य अपने इस आर्टिकल में कहते हैं कि जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं यानी कि बिना किसी ट्रेनिंग के अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं और और कुछ अच्छा इनोवेशन करते हैं कुछ अच्छी नई चीज़ बनाते हैं उन्हें भी आर्टिस्ट कहलाने का हक है उन्हें भी आर्टिस्ट कहलाने का हक है ऐसा नहीं कि उन्हें कोई हक नहीं है आप उन्हें आर्टिस्ट नहीं कह सकते तो इस इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम इस आठ व्रत नाम की कॉन्सेप्ट में पढ़े के बारे में पढ़ेंगे ऑल्सो हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है शान शुई शान शुई एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर अब जो माउंटेन होता है वो क्या होता है माउंटेन जो होता है वो मेल एस्पेक्ट है इस पूरे नेचर का यानी कि जब हम माउंटेन वर्ड बोलते हैं तो हमें कुछ मेल यानी कुछ आदमी जैसा सुनने का कुछ साउंड आ रहा है तो वो उसको हम मेल एस्पेक्ट कहते हैं और उस चीज़ को हम चाइना में कहते हैं यांग और जो रिवर uh, है वो फीमेल एस्पेक्ट दर्शाता है यानी कि जब रिवर या नदी हम कुछ इस टाइप का वर्ड बोलते हैं अपने मुंह से तो हमें कुछ फेमिनिज्म वर्ड सुनाई देता है फेमिनिस्ट वर्ड सुनाई देता है कि कुछ औरत का वर्ड है तो उस वो जो है ना रिवर वर्ड वो हमारा फीमेल एस्पेक्ट है किसका हमारे नेचर का और उसे हम चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं यिन तो जो माउंटेन है उसे कहते हैं यांग और जो रिवर है या वाटर है उसे हम कहते हैं ये तो देखते हैं अब इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे आर्ट है पावर है आर्ट में एक बहुत पावर है जो कुछ भी पॉसिबल कर सकता है कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकता है वही है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और लैंडस्केप ऑफ द सोल का मतलब है कि लैंडस्केप अब लैंडस्केप क्या होता है लैंडस्केप यानी कि नदी है पहाड़ है एक झरना बहरा है एक सीनरी जैसे जिसको हम बोलते हैं उसे हम लैंडस्केप कहते हैं एंड ऑफ द सोल यानि जो अंदर से निकली है हमारी सोल से निकली है यानी जो पेंटर ने अपनी आत्मा से अपने माइंड को यूज करके अपनी इमेजिनेशन अपनी कल्पना को यूज करके एक लैंडस्केप एक सीनरी बनाई है उसी को बोलते हैं हम लैंडस्केप ऑफ ऑफ द सोल तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है लैंडस्केप ऑफ दोल इज रिटन बाई नैथली ट्रूव रॉय द चैप्टर इज अबाउट हाउ डिफरेंट द चाइनीज आर्ट फ्रॉम आर्ट द चाइनीज आर्ट फॉर्म इज फ्राम द यूरोपियन आर्ट फॉर्म द राइटर यूजेज टू स्टोरीज टू मेक कॉन्ट्रास्ट यूरोपियन आर्ट इज़ अबाउट रीप्रोड्यूसिंग एंड एक्चुअल व्यू वेट चाइनीज आर्ट इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप तो यहाँ पर क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि कैसे चाइनीज आर्ट फॉर्म डिफरेंट है अलग है यूरोपियन आर्ट फॉर्म से और क्या बता रहे हैं वो कि जो यूरोपियन आर्ट है इट इज़ रीप्रोड्यूसिंग एंड एक्चुअल व्यू वो क्या कर रहा है एक्चुअल यानी कि जो यूरोपियंस होते हैं जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं अगर वो कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं वो एक्चुअल वही चीज़ बनाते हैं जैसी वो दिखती है और अगर कोई व्यूअर है यानी अगर उन्होंने अपनी पेंटिंग किसी व्यूअर को किसी सेकंड पर्सन को दिखाई कि देखिए हमारी पेंटिंग देखिए तो हम भी एक्जैक्टली exactly वैसा ही देखेंगे जैसा पेंटर ने ख़ुद ड्रॉ किया है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है यूरोपियन कॉन्सेप्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक एक लायन ड्रॉ किया है अगर किसी यूरो मैंने नहीं यूरोपियन पेंटर ने मैं तो बिल्कुल कोई पेंटर नहीं हूँ अगर किसी यूरोपियन पेंटर ने कोई लायन ड्रॉ किया है और उसने व्यूअर को यानी सामने वाले पर्सन को दिखाया कि देखो मैंने ये पेंटिंग ड्रॉ करी है तो वो भी ये देखेगा कि मैंने एक ला कि उस यूरोपियन पेंटर ने लायन ही ड्रॉ किया है उसमें कुछ इमेजिन नहीं करेगा कि अरे यहाँ पे कुछ क्लाउड है या यहाँ पे कुछ माउंटेन है नहीं यूरोपियन पेंटर ने लायन ड्रॉ किया और जब व्यूअर को दिखाएगा तो भी वो लायन ही देखेगा लेकिन चाइनीज़ आर्ट फॉर्म इससे बिल्कुल अलग है चाइनीज़ आर्ट इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग रियल लैंडस्केप अगर कोई चाइनीज़ पेंटर है और उसने लैंडस्केप यानी कोई सीनरी बनाई है अपनी पेंटिंग में और वो जो अपनी पेंटिंग बनाएगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं बनाएगा कि जैसा उसने बनाया व्यूअर को दिखा और व्यूअर को भी एक्जैक्टली exactly वैसा ही दिखा नहीं वो थोड़ी सी अपनी पेंटिंग को ब्लर बना देगा थोड़ी सी कहीं कहीं ब्लैंक स्पॉट्स छोड़ देगा अपनी पेंटिंग में ताकि जब वो व्यूअर को दिखाए तो व्यूअर खुद अपना दिमाग लगाए अपनी इमेजिनेशन लगाए कि अच्छा यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना एक माउंटेन जैसा दिख रहा है यहाँ पर मुझे थोड़ी एक रिवर दिख रही है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई बोट चल रही है तो चाइनीज पेंटर्स व्यूअर के इमेजिनेशन को बाहर आने के लिए अपनी पेंटिंग को थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्लर या इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो ये डिफरेंस है चाइनीज आर्ट फॉर्म में और यूरोपियन आर्ट फॉर्म में देखते हैं आगे चैप्टर में क्या है फिर है पावर ऑफ आर्ट तो इससे इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि पावर जो है आर्ट में वो बहुत ज्यादा है अब वो कैसे है अब जब हम आगे हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे कि कैसे चाइनीज़ पेंटर्स और कैसे यूरोपियन पेंटर्स की स्टोरीज़ आती हैं और उनकी पेंटिंग की वजह से कुछ ऐसी पावर हुई कि कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो गई तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन में शांशु जैसे मैंने आपको बताया ये एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग होता है माउंटेन वाटर माउंटेन यानी कि यांग और वाटर यानी कि यिंग क्योंकि ये मेल एस्पेक्ट है यूनिवर्स का इस दुनिया का मेल एस्पेक्ट कहते हैं माउंटेन को और जो वाटर है वो फीमेल एस्पेक्ट है यूनिवर्स की इसलिए उसको हम चाइनीज में यिन कहते हैं आर्ट ब्रट आउट ऑफ द बॉक्स जैसे अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आर्ट ब्रट का कॉन्सेप्ट भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यानी वो पेंटर्स जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते वो उन पेंटर्स के बारे में बारे में या उनके जैसा बिल्कुल नहीं सोचते जिन्होंने ट्रेनिंग करी हुई है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं यानी कि अपनी खुद की क्रिएटिविटी अपना खुद का इनोवेशन करते हैं और कुछ डिफरेंट क्रिएट कर देते हैं इसका एग्जाम्पल है आर्ट ब्रट का रॉक गार्डन इन चंडीगढ़ बाय नेकचंद अगर आप लोग चंडीगढ़ गए हैं तो आपको वहाँ पे रॉक गार्डन दिखेगा ये जो गार्डन है ये मिस्टर नेक चंद ने वहाँ पे बनाया है और ये परफेक्ट एग्जांपल है आर्ट ब्रेड का क्यों क्योंकि मिस्टर नेक चंद ने ज़िंदगी में अपनी लाइफ में कभी कोई पेंटिंग में या किसी आर्ट फॉर्म में कोई ट्रेनिंग या किसी प्रोफेशनल से सीखा नहीं है उन्होंने अपना खुद का दिमाग यूज़ किया आउट ऑफ द बॉक्स सीखा सोचा और क्या किया जितनी भी यूज्ड चीज़ें जैसे टूटे हुए बेसेंस कांच के टुकड़े कार के स्पेयर पार्ट्स पुरजे स्ट्रॉ, पत्थर जो भी चीज़ें यूजलेस हैं वेस्ट हैं उन चीज़ों को यूज़ करके उन्होंने एक आर्ट एक पूरा रॉक गार्डन बनाया और अपने आर्ट को दुनिया के सामने लेकर आए तो क्या आपको क्या लगता है कि मिस्टर नेकचंद को आर्टिस्ट कहलाने का हक नहीं है बिल्कुल है बल्कि उन, उन, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट कहलाए उनको इनकी उन, 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 इनकी उन, जो आर्ट की वीडियोज़ हैं वो तो फ़ौरन तक गई हैं तो यही कॉन्सेप्ट जो है आर्ट ब्रेड का ये हम समझेंगे इस चैप्टर में और एग्जाम्पल उन्होंने किसका दिया है मिस्टर नेकचंद का जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया है चंडीगढ़ में आइए लेसन का एक्सप्लेनेशन और पूरा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ते हैं सारी पेंटिंग के बारे में ये चैप्टर बहुत ही आर्टिस्टिक चैप्टर है तो एक पेंटर की नज़र से जब हम चाइनीज़ पेंटिंग पढ़ेंगे तो चाइनीज़ बन जाना चाइनीज़ पेंटर बन जाना और उसकी नज़र से आप लोग समझना और जब हम यूरोपियन पेंटिंग और उससे रिलेटेड स्टोरी पढ़ेंगे तो आप एक यूरोपियन बन जाना और उसकी नज़र से सोचना तो चैप्टर बहुत ईजी है आर्ट वाला चैप्टर आज तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश में ओके सो लेट्स बिगिन अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द एथ सेंचुरी तो टेल यानी क्या होता है एन इमेजिनेटिव स्टोरी पुरानी, पुरानी इमेजिनेशन इमेजिनेशन पर बेस्ड जो स्टोरी होती पुरानी है पुरानी कथाएँ चाइना की वो कथा और इमेजिनेशन पर बेस्ड है सही है नई है किसी को नहीं पता बस ये टेल है तो एक वंडरफुल ओल्ड टेल यहाँ पर सुना रही है हमको मिस नैथली ट्रूव रॉय सुना रही है और किसके बारे में है वो डाउजी नाम के एक पेंटर के बारे में ये एक चाइनीज पेंटर है वो वो कब कब जिंदा थे वो सेंचुरी में जिंदा थे ये तब की स्टोरी है मतलब लैंडस्केप कमिशन बाय द टैंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल तो मिस्टर वू डाउजी जो थे उन्होंने एक पेंटिंग बनाई और ये वाली जो पेंटिंग बनाई थी उन्होंने वो उनकी लास्ट पेंटिंग थी और ये पेंटिंग किसने कमीशन करी थी यानी किसने ऑर्डर पे बनवाई थी मिस्टर वूड से वहाँ के एम्पर ने टैंग एम्पर जिनका नाम था जुआन जोंग तो टैंग एम्प्रर जो वहाँ के राजा थे जिनका नाम था जुआन जोंग उन्होंने कमीशन की यानी कि ऑर्डर पे एक पेंटिंग बनवाई मिस्टर वूडाउजी से और ये मिस्टर वूडाउजी की आखिरी पेंटिंग थी जो उन्होंने बनाई थी और क्यों उन्होंने ऑर्डर करी थी क्योंकि किंग को अपनी पैलेस के वॉल्स को डेकोरेट करना था यानी अपनी महल की दीवारों को सजाना था इसलिए उन्होंने वूडाउजी से ये पेंटिंग कमीशन करी यानी कि ऑर्डर करी स्पेशली टू ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर पर बनवाई द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड स्क्रीन सो ओनली द एम्पर वुड सी इट अब मास्टर कौन है यहाँ पे वो डाउजी यानी कि जो पेंटिंग का मालिक है तो जो मास्टर है जो वो डाउजी है उसने क्या किया पैलेस में एक स्क्रीन ऐसे एक पर्दा था उसके पीछे पेंटिंग को रखा ताकि सिर्फ एम्परियर ताकि सिर्फ राजा वहां से बैठ के देख पाए और कोई उनकी पेंटिंग को ना देख पाए और ये पेंटिंग थी जो उन्होंने बनाई थी अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो दिस वाज़ अ पेंटिंग जो मिस्टर वूड ने बनाई थी अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो चाइनीज़ पेंटर्स होते हैं वो कभी भी क्लियर पेंटिंग नहीं बनाते थोड़ा सा ब्लर रख देते हैं ताकि जब वो व्यूअर को दिखाएंगे तो थोड़ा अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी अगर इस पेंटिंग में भी आप देखोगे तो आपको अगर ये कुछ क्लियरली नहीं दिखेगा आपको दिख रहा है कि हाँ ये पेंटिंग है अब आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करोगे इस पेंटिंग के लिए कि अच्छा यहाँ पे ना मुझे एक माउंटेन जैसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे कुछ ट्रीज दिख रहे हैं और यहाँ पे ना मुझे स्टेयर्स दिख रही हैं जैसे यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ बोर्ड जैसा दिख रहा है और उसमें कोई इंसान बैठे हैं यहाँ पे बुशेस दिख रही हैं तो यहाँ पे आपको कुछ क्लाउड दिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कुछ क्लियर नहीं है आप सब अपनी इमेजिनेशन यूज़ करोगे तो एग्जैक्टली चाइनीज पेंटर्स ऐस टाइप के पेंटिंग्स बनाते हैं जो व्यूअर को व्यूअर यानी जो व्यू कर रहा है पेंटिंग को जो देख रहा है उसकी इमेजिनेशन के लिए जगह छोड़ दे वो अपना इमेजिनेशन करेगा और अपनी पेंटिंग को अपने अंदर से समझे समझने की कोशिश करेगा तो आते हैं चैप्टर पे तो यहाँ पे क्या किया मास्टर ने ने एक पर्दे के पीछे एक स्क्रीन के पीछे अपनी पेंटिंग को रख दिया ताकि सिर्फ एम्पर सिर्फ राजा देख पाए और कोई ना देख पाएंग एम्पर एडमायर दंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरस्ट हाई माउंटेन्स वॉटरफॉल्स क्लाउड फ्लोटिंग मैन ऑन द हिली पार्थ बर्ड इन फ्लाइट तो फॉर अ वाइल्ड यानी काफी देर तक वहीं खड़े खड़े जो एम्पर था उसने इस ब्यूटिफुल पेंटिंग uh, को एडमायर किया देखते रहे ये कितनी अच्छी पेंटिंग है और उसने क्या क्या इसमें से जैसे हमने भी इस पेंटिंग में से अभी बहुत सारी चीजें इमेजिन करी वैसे टैंग एम्प्रोर जो थे उन्होंने भी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया और क्या क्या इमेजिनेशन किया उन्होंने उसमें उसने क्या डिस्कवर किया क्या क्या ढूंढा उसने पेंटिंग में फॉरेस्ट देखे हाई माउंटेंस बड़े बड़े पहाड़ देखे वाटरफॉल्स यानी झरने उसने देखे इस पेंटिंग में क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्का इमेंस यानी ह्यूज बहुत बड़े तो बहुत बड़े स्काई में उन्होंने देखा कि जो क्लाउड्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं यानी कि क्लाउड्स जो हैं आसमान में चल रहे हैं ये भी इन्होंने इमेजिन किया उसमें मेन ऑन हिली पाथ तो उन्होंने और क्या इमेजिन किया उनकी पेंटिंग में कि हिली पाथ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं और उसपे कुछ, कुछ मैन बैठे हुए हैं कुछ आदमी बैठे हुए हैं बर्ड्स इन फ्लाइट बर्ड इन फ्लाइट उड़ रही है तो ये सब चीजें एम्प्र ने इमेजिन की वुडाउजी के इस पेंटिंग में जब वो देख रहे थे लुक सर सेट द पेंटर इन द स्केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन डेल्स अ स्पिरिट द पेंटर क्लैप दिस हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओप अब क्या हुआ अब जब ये दिखा रहे जब वो पूरा देख रहे थे तो वूड हाउजी क्या बोलते हैं एम्पर को लुक सर ये जो पेंटिंग है उस पूरी पेंटिंग में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर केव थी जहाँ पे एक गुफा थी तो क्या बोलते हैं मिस्टर वूड हाउजी वो कहते हैं कि देखिए सर यानी राजा को बोलते हैं कि ये जो केव है ना यहाँ पे एक स्पिरिट डोवेल करती है डवेल यानी रहती है स्पिरिट यानी कि कोई आत्मा तो उन्होंने क्या बोला कि जो केव है उसके फुट ऑफ द माउंटेन यानी कि यहाँ पे एक माउंटेन है और यहाँ पे ये यह जो केव है फुट यानी कि माउंटेन जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे ना कोई आत्मा रहती है अब ये रियलिटी में बच्चों था कि नहीं था क्योंकि तो टेल थी यानी पुरानी उनकी कथाओं पे एड सेंचुरी की कोई कथा पे बेस्ड थी तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि जो पेंटिंग है वहाँ पे एक छोटी सी केव है एक गुफा है और फुट ऑफ द माउंटेन पे यानी एग्जैक्टली exactly यहाँ पे जहाँ केव का रास्ता है वहाँ पे वो स्पिरिट डिवेल्प करती है यानी कि रहती है फिर क्या किया पेंटर ने द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन फिर वूड हाउजी ने अपने हैंड से टू टाइम्स ऐसे क्लैप किया और जो एंट्रेंस था जो रास्ता था जो दरवाज़ा था केव का वो अपने आप पेंटिंग में ओपन हुआ और दरवाज़ा अपने आप खुल गया तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ये सच है यहाँ पे रियलिटी कुछ नहीं है यहाँ पे जो था यहाँ पेंटर का दिमाग था यहाँ पेंटर का क्या था माइंड था कभी ऐसा होता है कि हम कोई पेंटिंग देखते हैं और उसमें हमको जो उस पेंटिंग को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कुछ लाइव हो रहा है पेंटिंग में हाँ भाई लोग चल रहे हैं फिश वहाँ से वहाँ जंप कर रही है और एक एनिमल निकल के आ गया कभी ऐसा होता है पेंटिंग में लाइव कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा लेकिन यहाँ पर डाउजी ने जैसे ही क्लैप किया तो जो केव जो गुफा का डोर था वो अपने आप ओपन हो गया तो ये कैसे पॉसिबल हुआ तो ये पॉसिबल हुआ वो डाउजी के माइंड से उसके दिमाग से जो पेंटर है उसने अपने दिमाग में इमेजिन किया कि देखना अभी मैं क्लैप करूँगा अभी जो केव का दरवाज़ा है ये खुलेगा और मैं उसके बाद उसमें एंटर कर जाऊंगा मैं अंदर भी चले जाऊंगा पेंटिंग के तो ये सब उसका दिमाग है उसकी इमेजिनेशन है कि पेंटर का दिमाग में इतनी ताकत है उसकी इमेजिनेशन में इतनी पावर है जैसे हमने शुरू में पढ़ा था पावर ऑफ आर्ट कि अपने आप जो केफ का दरवाजा था वो खुल गया तो आप देखते हैं आगे क्या हुआ द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे प्लीज लेट मी शो योर मे द वे तो स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है वेरी इंप्रेसिव इंप्रेसिव या सुपर्ब यानी कि अब क्या बोल रहे हैं मिस्टर वूड हाउजी कि इनसाइड इज़ बियॉन्ड द वर्ड कैन कन्वे यानी कि इनसाइड यानी किसके इनसाइड जो केव है जो गुफा है उसके अंदर बहुत स्प्लेंडेड यानी सब कुछ बहुत सुपर्ब है बहुत सुंदर है आप मेरे साथ अंदर चलिए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ यानी वूड हाउजी कह रहे हैं कि आप मेरे साथ पेंटिंग के अंदर जो ये गुफ़ा है उसके अंदर चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर सब कितना सुंदर है कितना स्प्लेंडेड है इस तरीके से कुछ उन्होंने पेंटिंग में में इमेजिन किया था एक केव को अब जो एंपरर थे वो वो थोड़े शौक हो जाते वो कहते हैं हैं कहते कि पेंटिंग पेंटिंग कैसे जाएंगे पेंटिंग का डोर अपने आप ओपन हुआ अंदर भी वो मुझे बोल रहा है कि मैं आपको चलिए ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि केव के अंदर कैसा है तो क्या बोलते हैं पेंटर द पेंटर एंटर द केव अब पेंटर ने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एंटर किया किसके थ्रू इमेजिनेशन के थ्रू केव के अंदर एंटर किया बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्प्रर कुड मूव और अटर अवर्ड द पेंटिंग हैड बैनिश्ड फ्रॉम द वॉल अब एस्टॉनिश्ड का मतलब क्या होता है ग्रेटली सरप्राइज एंड इम्प्रेस जब आप बिल्कुल शॉक हो जाते हो कोई चीज़ देखकर सरप्राइज हो जाते हो उसे हम कहते हैं astonished. तो जैसे ही पेंटर केव के अंदर गया और पीछे पीछे जैसे किंग जाने लगा किंग के जाने से पहले जो केव का डोर था दरवाज़ा था वो अपने आप बंद हो गया वो क्लोज हो गया और एम्पलर वही अस्टोनिश खड़ा रह गया यानी शौक में खड़ा रह गया कि ये क्या हुआ वो डाउजी ने क्लैप किया जो पेंटिंग में केव थी उसका डोर ओपन हुआ वो अंदर गया और इससे पहले मैं खुद जाता डोर बंद हो गया एंड जो पेंटिंग थी वो वैनिश हो गई यानी जो पेंटिंग दीवार पे लगी थी वो पूरी वैनिश हो गई यानि गायब हो गई डिसअप्योर हो गई उसके साथ वूडाउजी भी गायब हो गया हो गया तो ये कैसे पॉसिबल है ये क्या रियलिटी में हुआ था ऐसा रियलिटी में कभी भी नहीं होता लेकिन ये जो थी पुरानी फोक टेल्स थी यानी पुरानी इनकी कथाएं थी चाइनीज़ की जो जो इमेजिनेशन पे और जो आर्ट पे बेस्ड थी आर्टिस्ट ने जो वू डाउजी है पेंटर ने अपना दिमाग यूज़ किया अपनी इमेजिनेशन यूज़ करी अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दिया अपनी पेंटिंग में कि उसने सोचा कि मैं अंदर जा रहा हूँ मैं चला गया और वो पेंटिंग भी अपने आप वैनिश हो गई गायब हो गई

इस टाइप की स्टोरीज से हमें क्या समझ में आता है इस टाइप इस टाइप की एक चाइनीज़ स्टोरी से हमने ये समझा कि आर्ट में बहुत पावर है इतनी ताकत है कि आर्टिस्ट जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करके पेंटिंग में जो चाहे इमेजिन कर सकता है वैसा पॉसिबल कर सकता है अब ऐसा जाहिर सी बात है कि रियलिटी में तो हुआ नहीं होगा कि उसने क्लैप किया होगा वो एंटर किया होगा पेंटिंग और ख़ुद पेंटर भी वहाँ से गायब हो गए होंगे लेकिन इसमें पूरा इमेजिनेशन आपका स्परिचुअल स्पेस और कंसेप्चुअल स्पेस है स्पिरिचुअल स्पेस यानी जो आपके सोल से जो आपकी आत्मा से निकलता है अंदर से निकलता है जैसा वो अंदर से सोच रहा है कि हाँ यहाँ पे ऐसे केव है यहाँ पे एक स्पिरिट रहती है उसको मैं क्लैप करूँगा तो दरवाजा हटेगा केव का ये सब क्या है ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है पेंटर की और कॉन्सेप्ट यानी उसके माइंड में जो आइडियाज़ चल रहे हैं जिसके माइंड में दिमाग में जो पूरी स्टोरी चल रही है अपनी पेंटिंग को लेकर वो सब वो पॉसिबल कर रहा है इतनी पावर है आर्ट में सच स्टोरीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लासिकल एजुकेशन तो ये जो टाइप की हमने स्टोरी पढ़ी अभी वूड हाउजी की वो क्या है वो चाइना की क्लासिकल यानी हिस्टोरिकल या कल्चरल या ट्रेडिशनल स्टोरीज का एक एजुकेशन का पार्ट है ये वाली टाइप की स्टोरीज वो अपने पेंटर्स को जब एजुकेट करते हैं ट्रेन करते हैं तो बताते हैं वहां पे द बुक्स ऑफ कॉनफिक्स एंड जुएंग जी आर फुल ऑफ देम दे मास्टर टू गाइड हिजा डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन अब कॉन्फ्यूकियस एंड जुएंग जी ये दोनों कौन है दे आर द फेमस चाइनीज फिलाजफर फिलाजफ़फर्स ये बहुत फेमस चाइनीज फिलाजफ़र्स है यानी पेंटिंग्स करते हैं चीज़ें सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा माइंड एंड इमेजिनेशन ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाते थे तो जो इनकी बुक्स हैं ये फुल ऑफ देम है यानी इस टाइप की स्टोरी से भरी हुई हैं दे हेल्प द मास्टर टू गाइड इज डिसाइपल डिसाइपल यानी कि अ फॉलोअर और अ प्यूपल प्यपल या स्टूडेंट भी आप कह सकते हो तो इनकी जो बुक्स हैं ये इस टाइप की स्टोरी से भरी हुई है और ये क्या करती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हैं पढ़ाती हैं और राइट right डायरेक्शन में ले जाती है राइट डायरेक्शन यानी कि अपने माइंड को किस तरह से यूज करना है और आपकी पावर जो है आर्ट की पावर जो है उसको सिखाती है बियॉन्ड द एनिक डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड तो एनिक डॉट का मतलब क्या होता है यहाँ पे अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन तो एक छोटी छोटी कहानियाँ जो किसी इंसान की रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और या उनकी लाइफ में कोई रियल इंसिडेंट्स पर या uh, कुछ उनकी लाइफ के बारे में जो है छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं उन्हें हम एनिक डॉट कहते हैं तो so, ये बोल रहे हैं कि जो हम स्टोरीज पढ़े पढ़ी हमने अभी जो वूड हाउस की अभी हमने स्टोरी पढ़ी ये क्या है ये एक एनिक डॉट से बहुत बढ़ के है वो सिर्फ एक छो, छोटी सी स्टोरी नहीं है जिसमें हमने पढ़ा कि हाँ भाई एक आर्टिस्ट था उसने पेंटिंग बनाई एम्प्रयर के लिए फिर उसने क्लैप किया वो चले गया पेंटिंग गायब वो भी गायब तो एक छोटी सी कहानी से एक छोटे से एनिक डॉट से बियॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा थी ये स्टोरी दे आर डीपली रिविलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड ये जो स्टोरी थी बहुत डीप थी इसमें आर्ट के बारे में बहुत डीप नॉलेज था कि कैसे एक आर्टिस्ट ने अपने आर्ट को इतना सीरियसली लिया अपनी स्पिरिट यानी अपनी आत्मा से उसने स्पिरिट को अंदर से उसने बनाया अपनी पूरी आत्मा को भी उसने अपनी सोल को इन्वॉल्व कर दिया उस पेंटिंग को बनाने में और क्या करने में अप, अपनी अपनी इमेजिनेशन और अपने ब्रेन को यूज़ करने में तब जाके उसने ये सब चीज़ें इमेजिन करी और वो पेंटिंग में एंटर भी किया अपनी इमेजिनेशन और ब्रेन की मदद से कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडन ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग तो वो कह रहे हैं कि एक और ऐसी चाइनीज़ यहाँ पे स्टोरी है एक तो हमने वो डाउज़ी की पढ़ी अब यहाँ पे एक छोटी सी एक और हम चाइनीज स्टोरी ही पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पेंटर था वो ड्रैगन बनाता था क्या बनाता था ड्रैगन लेकिन फियर डर के मारे उस ड्रैगन की कभी आइज़ नहीं बनाता था आँखें नहीं बनाता था क्यों क्योंकि उसे डर था कि अगर मैंने इस ड्रैगन की आइज़ बना ली तो जो ड्रैगन है वो जिंदा हो जाएगा और फ्लाई करके उड़ के पेंटिंग के बाहर आ जाएगा मेरे पास तो वो डर के कभी भी ड्रैगन की आई नहीं बनाते थे तो क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है कि हमने ड्रैगन की आंखें बनाई और ड्रैगन पेंटिंग में से ज़िंदा होकर बाहर आ जाएगा ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है लेकिन उसने ऐसा इमेजिन किया उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसको पता था कि अगर मैंने आंखें बना दी उसकी तो वो बाहर ही आ जाएगा और शायद मुझ पर ये ड्रैगन अटैक कर दे इसलिए वो डर के मारे कभी ड्रैगन की आइज़ की पेंटिंग नहीं बनाता था पेंटिंग में अब वो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी ये जो स्टोरी हमने वो की पढ़ी ये ड्रैगन वाली हमने स्टोरी पढ़ी इसी के कंट्रास्ट इसी के ऑपोजिट नेक्स्ट स्लाइड में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यूरोपियन या फिर वेस्टर्न कल्चर की पेंटिंग के बारे में अब यहाँ पे स्टार्ट होती है वेस्टर्न कल्चर की पेंटिंग के बारे में हम अभी पढ़ेंगे विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग तो माई नेटिव कौन है ये माए कौन बोल रहा है कि मेरी नेटिव जगह जो माए है वो कौन है ऑथर नाथली ट्रूवोरॉय ये क्या बोल रही है मैं फ्लैंडर्स से हूँ फ्लैंडर्स नाम की जगह से अगर आप इस मैप पे देखोगे तो ये क्या है ये पूरा एरिया है यूरोप का और ये जो ब्लैक पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ये है फ्लैंडर्स ओके okay? तो यहीं के रहने वाली हैं कौन नैथली ट्रूवरा जो स्टाप्त की और वो कह रही हैं कि ये वेस्टर्न यूरोप में है ये पूरा वेस्टर्न यूरोप है और ये फ्लैंडर्स नाम के स्पेस में रहती है तो वो कह रही है कि मैं फ्लैंडर्स की रहने वाली हूँ और आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग है और इस जगह पे मुझे इतनी अच्छी पेंटिंग्स मिलती है जो परफेक्टली वेस्टर्न पेंटिंग्स को यहाँ पे डिफाइन करती है क्योंकि चाइनीज पेंटिंग्स बिल्कुल अलग होती है उनके कॉन्सेप्ट्स इमेजिनेशन पे आपकी इनर सोल पे आपके थॉट्स पे आपके कॉन्सेप्ट्स पे आपके दिमाग पे बेस्ड होती है लेकिन वो कह रही है कि मैं फ्लैंडर्स नाम की एक वेस्टर्न प्लेस से हूँ और यहाँ पे क्या मुझे दिखता है यहाँ पे वेस्टर्न पेंटिंग्स दिखती है इन फिफ्टीन सेंचुरी अब यहाँ से हमारी एक और न्यू स्टोरी स्टार्ट हो रही और अब ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी स्टोरी है वेस्टर्न या फिर यूरोपियन पेंटिंग पे एंडर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड पेंटर्स डॉटर फादर वुड नॉट तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये फिफ्टी सेंचुरी की है वूड हाउजी की स्टोरी कब की थी एट सेंचुरी की और ये जो स्टोरी है ये फिफ्टीन सेंचुरी की।, की है और कहाँ की है एंटवोप नाम की एक जगह की है और ये एंटोअप क्या है अ सिटी इन नॉर्दर्न बेल्जियम अगर आप इधर मैप पर देखेंगे तो ये रहा आपका बेल्जियन कंट्री और एंटव नाम की स्पेस यहाँ पे गिर रही सो so, वो कह रही हैं कि जो स्टोरी है पंद्रहवीं सदी की फिफ्टीन सेंचुरी की है एंटप नाम की एक प्लेस की है यहाँ पे क्या हुआ था एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था ब्लैक स्मिथ कौन था ब्लैक स्मिथ को हिंदी में हम कहते हैं लोहार जो लोहे का, का काम करता है वो ब्लैक स्मिथ था उसका नाम था क्विंटिन मेथसेस उसको किससे प्यार हो गया उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया ही फेल एन लव द पेंटर्स डॉटर लेकिन जो फादर थे जो वो पेंटर था वो एक ब्लैक स्मिथ को एक लोहार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्यों क्योंकि वो इस टाइप के प्रोफेशन में था यानी कि वो एक लोहार था तो उसने बोला कि मैं इतना बड़ा पेंटर मैं अपनी बेटी की शादी एक लोहार से एक ब्लैक स्मिथ से नहीं कराऊंगा तो उन्होंने उनका रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सो क्विंटन स्निक्ड इन टू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हज लेटेस्ट पैनल विथ सच डेलीकेट रियलिज्म अब स्निक्ड का मतलब क्या है मूव और गो एन विदाउट परमिशन जब आप चुपके से किसी के कमरे में या किसी के काम के जगह पर जाते हो बिना परमिशन से चुप चाप करके बिना आवाज़ करे उसे हम कहते हैं स्निक्ड और डेलीकेट रियलिज़्म मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाना जो एग्जैक्टली रियल जैसे दिखे या क्लोज टू रियल दिखे एकदम असली दिखे तो क्विंटन मेथ्स ने क्या किया उसने चुपचाप इस पेंटर के स्टूडियो में जहाँ पे वो पेंटिंग्स बनाता था जहाँ पे अपनी काम करता था वहाँ पे स्निक करके चले गया चुपचाप चले गया और जो उनका लेटेस्ट पैनल था जो वो लेटेस्ट पेंटिंग पे जिसपे काम कर रहे थे पेंटर उस पर पे जाके एक फ्लाई बना दी यानी ऐसी उन्होंने एक मक्खी बना दी और ऐसी मक्खी बनाई जो बिल्कुल डेलिकेट रियलिज्म पे बेस्ड थी यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो जो फ्लाई वो जो मक्खी बनी हुई है उनकी पेंटिंग पे वो एकदम रियल है एकदम असली है दट द मास्टर ट्राई टू स्वॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज दैट वॉट हैपन्ड तो फिर बाद में जब जो पेंटर थे वो आए अपनी पेंटिंग पे देखा तो उनको लगा कि मेरी पेंटिंग पे एक मक्खी बैठी हुई है एक फ्लाई बैठी हुई है तो उन्होंने क्या किया उस मक्खी को मारने की स्वॉट करने की कोशिश की यानी कि हिट करने की या इस तरीके से उसको क्रश करने की मारने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने मारा उन्होंने रियलाइज़ किया कि अरे ये क्या हुआ ये तो हट ही नहीं रही ये तो उड़ी नहीं रही मरी भी नहीं तो उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे नहीं ये एक रियल मक्खी नहीं है ये सिर्फ एक पेंटिंग है कि मक्खी को किसी ने पेंट कर दिया मेरी बड़ी सी पेंटिंग पे तो वो बहुत शौक हुए कि अरे ये क्या हो गया सो क्विंटन वॉज इमिडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस टू हिज इन टू हिज स्टूडियो तो जो पेंटर थे जो वो डॉटर के फादर जो बहुत फेमस पेंटर थे वो बहुत खुश हुए और बहुत उनको मतलब इम्प्रेस हो गए वो क्विंटन मेथसिस से और उन्होंने उसको अपने स्टूडियो में एज एन अप्रेंटिस अप्रेंटिस रख दिया ना ट्रेनर या फिर लर्नर के तौर पे कि तुम मुझसे लर्न कर सकते हो मुझसे सीख सकते हो तो उसको उन्होंने स्टूडियो में अपने रख लिया ही मैरिड इज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज सो ऑब्वियसली वो उससे इंप्रेस हो गए थे कि इसने इतनी अच्छी पेंटर पेंटिंग ड्रॉ करी और वो खुद भी पेंटर ही थे तो उन्होंने अपनी बेटी का जो रिश्ता था जो रिलेशन था वो एक्सेप्ट किया उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करी एंड देन वो जो वो जो लोहार था जो ब्लैक स्मिथ था वो इतना बड़ा पेंटर बन गया वो अपने अपने टाइम का अपने ज़माने का बहुत फेमस पेंटर बन गया था सो दिस वाज द यूरोपियन स्टाइल ऑफ़ पेंटिंग जो उसने बनाई थी अब ये जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी ये किस पे बेस्ड थी उसने एक फ्लाई ड्रॉ करी थी और जब व्यूअर ने जब दूसरे बंदे ने आके देखी वो पेंटिंग तो उसको एक्जैक्टली exactly वो मक्खी ही दिखी उसने फ्लाई ही बनाई थी और सामने वाले को फ्लाई दिखी लेकिन अब हमने जब जो वूड हाउजी वाली पेंटिंग पढ़ी थी तो उसमें क्या क्लैरिटी थी उसमें बिल्कुल क्लियर पेंटिंग थी नहीं थी थोड़ी सी हल्की हल्की सी ब्लर थी कहीं कहीं वाइट स्पॉट्स छोड़ दिए थे क्यों छोड़े थे ताकि जब व्यूअर देखे जो व्यू कर रहा है जो देख रहा है पेंटिंग को वो देखे तो उसे क्या दिखे उसे एग्जैक्टली exactly वो सब ना दिखे जो वो दिखाना चाहता है यानी कि वो वो खुद इमेजिन करे कि यहाँ पे कोई पेड़ है यहाँ पे कोई माउंटेन है यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है उसकी इमेजिनेशन के लिए जगह छोड़ दी और जैसा पेंटर ने अपने दिमाग में इमेजिन किया था वैसा वो भी अपने दिमाग में इमेजिन करे कुछ भी इमेजिन कर सकता है और इमेजिन से अंदर भी जा सकते हैं और अंदर जाने का मतलब ये है कि अपनी इमेजिनेशन से कहीं पर भी कुछ भी एक्सप्लोर कर सकता है पेंटिंग में वो घुस तो नहीं सकता पेंटिंग में बट एक्सप्लोर कर सकता है कि ये ऐसा होगा या ये ऐसा होगा वो गेस भी कर सकता है सो दिस वॉज अ डिफरेंस बिटवीन अ चाइनीज़ पेंटिंग एंड अ यूरोपियन पेंटिंग दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेड वीच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया तो अब यहाँ पे हमको क्या समझा रही है ऑथर ये बताना चाहती हैं कि दोनों पेंटिंग्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये जो पेंटिंग है ये चाइनीज पेंटिंग है और ये जो पेंटिंग थी वो यूरोपियन पेंटिंग थी, पेंटिंग थी, पेंटिंग थी।, थी। अब जो चाइनीज जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती है वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस पे बेस्ड होती है अब इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्या होता है एन इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल समथिंग रियल ऐसी कोई चीज़ आपने क्रिएट करी कुछ बनाई जो रियल दिखे रियल नहीं है पर दिखे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें मैजिशियन या कोई जादूगर का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो मैजिशियन होता है जो जादूगर होता है वो हमको मैजिक ट्रिक्स दिखाता है फॉर एग्जाम्पल उसने किसी बर्ड का नेक कट कर दिया लेकिन हम उसने कोई रियल में तो कट नहीं किया हम जब सामने ऑडियंस बन के उसका शो देखते हैं तो हम देखते हैं अरे किसी मैजिक से उसने नेक कट कर दिया किसका बर्ड का और फिर वापस जोड़ भी दिया तो ये क्या है ये आंखों का धोखा है ये इल्यूजन है जो उसने क्रिएट किया हमारे लिए वो रियल नहीं है वो जो ट्रिक्स कर रहा है यानी वो सच में कट नहीं कर रहा है किसी बर्ड का नेक या वापस उसको जोड़ के लगा नहीं रहा है वो ऐसी ट्रिक्स कर रहा है वो ऐसे इल्यूजन कर रहा है कि ऑडियंस को लगे कि सच है तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यूरोपियन पेंटिंग्स ऐसी होती है वो रियल चीज़ें ड्रॉ ने की कोशिश करती है और वो मतलब नेक्स्ट टू रियल होती है तो वो क्या करना दिखाना चाहती है व्यूअर को वही दिखाना चाहती है जो उसने बनाया है पर रियल तो था ही नहीं जैसे कि ये फ्लाई ये फ्लाई उसने पेंटिंग एज अ पेंटिंग बना दी लेकिन सामने वाले ने जब देखी पेंटर ने तो उसे क्या लगा कि एग्जैक्टली रियल पेंटिंग है और उसी को उसने कंपेयर किया चाइनीस पेंटिंग से द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया तो एशिया यानी यूरोपियन यूरोपियन ये चाइनीज़ पेंटिंग्स की इन्होंने बात करी और क्या बोला है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती है ओनर लाइफ एंड स्पिरिट पे बेस्ड है यानी कि जब जब जो पेंटर होता है अपनी इनर सोल अपनी आत्मा को इन्वॉल्व कर देते हैं और एक पेंटिंग बिल्कुल इन्वॉल्व होकर बनाता है अपना माइंड अपने कॉन्सेप्ट्स अपने आइडियाज़ अपने इमेजिनेशन अपनी कल्पना को पूरा अपनी काल्पनिक चीज़ों को बिल्कुल यूज़ कर लेता है एक पेंटिंग बनाने के लिए तो ये एक चाइनीज पेंटिंग में इस तरीके से होता है

जो वूडाउजी पेंटर था एट सेंचुरी में यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि जो चाइनीज स्टोरी हमने पढ़ी थी वू डाउजी की उसमें जो एम्पर था वो ऑर्डर पे एक पेंटिंग बनवाता है और क्या अप्रिशिएट करता है किस चीज़ की तारीफ़ करता है आउटर अपियरेंस वो पेंटिंग ऊपर से कैसे दिख रही कह रहे पहाड़ दिख रहे हैं अरे फॉरेस्ट दिख रहा है अरे बर्ड फ्लाई करिए जैसा पेंटिंग दिख रही है उसके बाहर से उसकी तारीफ़ कर रहे हैं बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हेम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क लेकिन जो आर्टिस्ट था जिसने वो पेंटिंग बनाई थी उसने ट्रू मीनिंग इस पेंटिंग का असली मीनिंग असली मतलब उसके सामने रिवील किया बताया कि सर यहाँ पे तो एक केव है और केव के बाहर एक स्पिरिट भी बैठी है फिर जब मैं क्लैप करूंगा तो ये डोर जो है केव का हटेगा मैं एंटर हूँ और मैं वैनिश हो जाऊँगा और वो पेंटिंग भी वहाँ से वैनिश हो गई तो जो ट्रू मीनिंग जो एग्जैक्टली इन डेप्थ सोच के जो पेंटर ने वो पेंटिंग बनाई होगी वो उसने रिवील कराया किसको किंग को या एम्पर को लेकिन एंपरियर ने तो सिर्फ बाहर की ब्यूटी देखी तो चाइनीज पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है माइंड और इमेजिनेशन का उस पेंटर का या उस आर्टिस्ट का द एम्पर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन तो टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है टेरिटरी का मीनिंग होता है एन एरिया ऑफ लैंड अंडर द रूलर तो जो एम्प्रर है जो राजा है वो सिर्फ अपनी टेरिटरी पर रूल कर सकता है वो अपने उस लैंड पर रूल कर सकता है जो उसने दुश्मनों से छीनी है दुश्मनों से जीत के वो लाया है तो एक राजा उस टेरिटरी, अपने लैंड पर राज कर सकता है रूल कर सकता है बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन लेकिन सिर्फ एक आर्टिस्ट ही ऐसा इंसान है जो उस टेरिटरी में अंदर जा सकता है अंदर जा सकता है का मतलब क्या है अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने माइंड यूज करके वो उस टेरिटरी में कुछ भी इमेजिन कर सकता है और जा सकता है जैसे कि जो पेंटिंग हमने देखी थी कौन सी पेंटिंग वो डाउजी की जो पेंटिंग थी अगर मैं पिछली स्लाइड लगाऊँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये जो पेंटिंग जैसे हमने देखी है ये कौन सी थी ये चाइनीज पेंटिंग थी और वूड हाउजी ने बनाई थी उसने क्या किया यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूँ तो मैं इसमें इमेजिन कर सकती हूँ कि ठीक है यहाँ पे कोई आ, बैठा है आ, बोट में दो पर्सन बैठे और वो रिवर फ्लो हो रही है रिवर में बोट आएगी और हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत बड़े स्टॉम का बहुत तूफान का सामना करना पड़े बोट का तो ये जो चीज है ये सिर्फ आर्टिस्ट खुद बता सकता है वो कहीं भी जा सकता है यहाँ पे वो कहीं भी जा सकता है अंदर घुस के नहीं यानी अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके कहीं भी कुछ भी एक्सप्लोर कर सकता है अब मैं बोल सकती हूँ जैसे मैं इसको देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना कोई दो इंसानों का फेस मुझे दिख रहा है और वो लोग ना बैठे हुए हैं और उनके जो पैर हैं वो मुझे इंसानों के पैर नहीं लग रहे किसी मंकी के पैर लग रहे हैं तो ये मैंने इमेजिन किया तो ये जो मैंने इमेजिन किया यानी ये मैंने एक्सप्लोर किया पेंटिंग को ये मैं घुस गई बिल्कुल पेंटिंग में जैसे कि चाइनीज़ पेंटर्स अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं ओके लेट मी शो द वे द डाउ, अ वर्ड दैट मींस बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स अब यहाँ पे जो ऑथर है हमको डाओजम या शॉर्ट में बोले तो डाउ का कॉन्सेप्ट समझा रही है जो कि किस पे बेस्ड है यूनिवर्स पे बेस्ड है इस दुनिया पे बेस्ड है वो कह रही है लेट मी शो यू द वे डाओ अ वर्ड दैट मीन्स बोथ अ पाथ और मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ यूनिवर्स तो ये जो यूनिवर्स है इस, इस दुनिया में बहुत सारे मिस्टीरियस वर्क्स होते हैं यहाँ पे यानी कि बहुत सारे रहस्य बहुत सारे रास छुपे हुए हैं इस यूनिवर्स में इस दुनिया में और जो डाव है हमें पाथ और मेथड यानी हमें रास्ता बताता है कि इस मिस्टीरियस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है और मेथड यानी कि क्या तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस डाओज़म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस मिस्टीरियस चीज़ों को समझने के लिए द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटीरियल अप्योरेंस अब मटीरियल अपियरेंस यानी कि थिंग्स विच आर इनटैजेबल दैट कैन नॉट बी सीन और टच तो मटीरियल अपियरेंस यानी कि वो सारी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते जिन्हें हम टच नहीं कर सकते बस हम उसे फील कर सकते हैं तो यहाँ पर वही वुड हाउजी की पेंटिंग की बात हो रही है कि पेंटिंग इज गॉन वुड हाउजी उसके अंदर चले गया पेंटिंग गायब हो गई वो चला गया बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल आर्टिस्ट अपने गोल जो उसका मेन एम था जो उसका मेन मोटिव था उस पर रीच कर गया बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस यानी कि आप उस पेंटिंग को छू भी नहीं पाए उस पेंटिंग के अंदर एंटर भी नहीं कर पाए लेकिन आर्टिस्ट ने अपना गोल पूरा कर लिया वो उसने अपनी इमेजिनेशन अपना दिमाग अपनी सोल अपनी स्पिरिट को यूज़ करके वो एंटर कर गया और उसने पूरा तरीके से अपनी पेंटिंग को एक्सप्लोर कर लिया

हमको डिफरेंस समझा रहे हैं एक चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में वो कह रहे हैं जो चाइनीज़ लैंडस्केप्स होते हैं जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होते हैं इट्स नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू वो इसीलिए नहीं बनाई जाती है कि जो उन्होंने बनाया वो एक्जैक्टली exactly व्यूअर को दिख जाए यानी जैसा उन्होंने बनाया वो एग्जैक्टली exactly दिख जाए क्योंकि जब हम ये चाइनीज़ पेंटिंग देख रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली exactly वो सब नहीं दिख रहा जो उस पेंटर ने बनाने की कोशिश करी थी हम तो अपना इमेजिनेशन कर रहे हैं कि जो वाइट स्पॉट से मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि यहाँ पे एक काइट उड़ रही है ये मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है है तो मैंने खुद इमेजिनेशन किया वो ये पेंटिंग्स कभी भी नहीं बनाते इसीलिए कि लोगों को एग्जैक्टली exactly वो दिखे जो हम बनाना चाह रहे हैं तो चाइनीज़ पेंटिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं लेकिन जो यूरोपियन पेंटिंग्स होती हैं वो फिगरेटिव पेंटिंग्स होती है फिगर यानी किसी चीज़ की परफेक्ट इमेज बनाते हैं और जब हम देखते हैं तो हमें वो बिल्कुल असली दिखने लगती है बिल्कुल डेलिकेट रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के वो बनाई जाती है पेंटिंग्स वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो यूरोपियन पेंटर होता है ही वॉन्ट्स यू टू बोरोइज वो चाहता है कि आप उसकी आंखें बोरो कर लो यानी कि उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ले लो जब आप उसकी पेंटिंग देख रहे हो और एग्जैक्टली exactly जैसे वो अपनी पेंटिंग को देख रहा है आप भी उसकी पेंटिंग को ऐसा ही देखो उसने अगर फ्लाई बनाई उसने अगर मक्खी बनाई तो आपको मक्खी दिखनी चाहिए आपको वो बटरफ्लाई नहीं दिखनी चाहिए तो यहाँ पे वो बता रहे हैं यहाँ पर ये जो पेंटिंग है ये एक यूरोपियन पेंटिंग है ऊपर और नीचे यहाँ पर एक चाइनीज़ पेंटिंग है अगर आप इस यूरोपियन पेंटिंग को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर बनी है बिल्कुल स्पेसिफिक बनी है आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक आ, स्नो का सीन है यहाँ पे बर्फ का सीन है यहाँ पे कुछ आ, लोग हैं जो स्नो के स्नोमैन टाइप के हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ लोग ये छोटा सा पॉन्ड है नीचे यहाँ पे बर्ड उड़ रही हैं यहाँ पे आपको एक उड़ती हुई बर्ड दिखेगी और यहाँ पे आपको एक जस्ट एक ब्रांच पे एक बर्ड बैठी हुई दिखेगी आपको कुछ भी अनक्लियर सा कुछ भी ब्लर नहीं दिख रहा कि अरे यहाँ पे शायद कुछ उड़ रहा है यहाँ पे कोई बैठा है क्या यहाँ पे क्या है आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ हट्स बने हुए हैं यहाँ पे स्नो है इसलिए कोई भी लीव्स नहीं है ट्रीज पे जो ब्रांचेस और ट्रीज हैं बिल्कुल लीव्स के बिना है खाली है कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सब क्लैरिटी दिख रही है ये यूरोपियन पेंटिंग होती है लेकिन अब जो चाइनीज पेंटिंग आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको सब खुद इमेजिन करना है अब मैं इसे इमेजिन कर लूँ कि पहाड़ है हो सकता है आप इसे इमेजिन कर लो कि छोटे 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 नीचे से यहाँ पे बुशेज हैं कुछ प्लांट्स हैं यहाँ मैं इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक टेम्पल है यहाँ आप इमेजिन हो सकता है कोई कोई दूसरा व्यूअर हो कोई और है वो इमेजिन कर ले कि छोटा सा किसी का हट बना हुआ है तो ये जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती है थोड़ी सी क्लियर नहीं होती हल्की सी ब्लर होती है जो पेंटर होता है वो उसे छोड़ देता है व्यूअर के लिए कि कुछ चीज़ें आप इसमें अपना खुद दिमाग यूज़ करके इमेजिन करिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लैंक स्पॉट्स यानी व्हाइट स्पॉट्स दिखेंगे जिसमें आप खुद ही एक्सप्लोर करिए खुद इमेजिन करिए कि मैं यहाँ से चला गया आगे कोई तूफान आने वाला है आगे मुझे कोई मिलने वाला है कुछ भी चीज़ें तो यहाँ पे जो यूरोपियन पेंटर है वो चाहता है ही यू टू बोरो हिज आइज वो अपनी आंखें आपको देना चाहता है बोरो करने की जैसा मैं देख रहा हूं हमारी पेंटिंग को आप भी बिल्कुल वैसा ही देखिए और चाइनीज पेंटिंग्स जो होती हैं कोई सिंगल व्यू पॉइंट कभी चूज नहीं करती कि जैसा मैंने बनाया सिंगल आप वैसा ही देखो उसने आपको सब घुमा फिरा के दे दिया अब आप अब चूज करो कि क्या यहाँ पे है और खुद इमेजिन करो हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन

ट्रैवल करो यानी कि अंदर पेंटिंग में जाके घूमो नहीं यानी अपनी दिमाग अपनी इमेजिनेशन से ट्रैवल करो कि ओके यहाँ ये है यहाँ ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से आप इमेजिन करके उसमें ट्रैवल कर सकते हो और पेंटिंग में एक्सप्लोर कर सकते हो अप एंड डाउन ऊपर जाओ नीचे जाओ इधर बताओ मैं सोचूँ ये आप बोल सकते हैं कि ये मैम एक रास्ता है जो पहाड़ से नीचे उतर रहा है हो सकता है मुझे ऐसा इमेजिनेशन में दिख रहा है कि ये कोई वाटरफॉल है कोई झरना बह रहा है कुछ भी तो चाइनीज पेंटिंग्स हमेशा आपके लिए जगह छोड़ देते हैं कि आप आराम से रिलैक्स्ड वे में अपनी मेरी पूरी पेंटिंग को ट्रैवल करो यानी अपनी इमेजिनेशन से इसमें पूरा एक्सप्लोर करो दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर एज डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अनोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग अब ये एक और तरीके की चाइनीज पेंटिंग है एक तो हमने चाइनीज पेंटिंग वो पढ़ी थी जो थोड़ी सी ब्लर बनाता है पेंटर ये एक और टाइप की पेंटिंग है यह एक स्क्रॉल है हॉरीजोंटल यानी ऊपर से नीचे एक बड़ा सा स्क्रॉल होता है अगर मैं आपको इस पेपर की मदद से अगर समझा पाऊं जो चाइनीज पेंटर होता है वो इस तरीके की एक शीट लेता है और ये पूरी रोल रहती है इस तरीके से अब क्या होता है जैसे ये हॉरिजॉन्टल यानी नीचे से ऊपर खोलता जाएगा पेंटर अब पेंटर ने थोड़ी सी ऊपर खोली तो यहाँ पे पहला सीन आ जाएगा तो सीन को देख के आप इमेजिन करो कि अच्छा यहाँ पे ये कैरेक्टर्स हैं हो सकता है वो कोई चाइनीज़ फेस्टिवल मना रहे हैं तो पहला वो फैमिली का शो आ रहा है फैमिली का पेंटिंग बनी हुई कि पहले फैमिली तैयारियाँ कर रही है फिर स्क्रोल थोड़ा सा ओपन किया तो सेकेंड सिक्वेंस आ गया यानी सेकेंड पेंटिंग आ गई कि अच्छा पहले फैमिली तैयारियाँ कर रही थी अब फैमिली क्या कर रही है कपड़े खरीद रही है फेस्टिवल पे पहनने के लिए अब ऊपर गए यहाँ पे फैमिली जो है घर में अच्छी अच्छी चीज़ें खाना बना रही है फिर सडनली क्या हुआ वहाँ पे किसी की शायद डेथ हो गई अब आप इमेजिन कर रहे हो कि आगे जो स्क्रोल खुलेगा आगे क्या स्टोरी होगी तो डेथ हो गई तो भाई वहाँ पे सब लोग रो रहे हैं वो लोग सेलिब्रेट लो नहीं कर पाए कुछ नहीं कर पाए तो आगे हो सकता है और भी बड़ा स्क्रोल हो तो और खुलता जाए तो इस तरीके का ये हॉरिजोंटल स्क्रोल की पेंटिंग है जो चाइनीज़ लोग और या चाइनीज़ पेंटर्स यूज करते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि ये भी एक तरीके की एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल है जो ऊपर से नीचे इस तरीके से खुलती है हॉरिजॉन्टल होती है और ग्रेजुअल सीक्वेंस में चलती है यानी जैसे जैसे आप खोलोगे वैसे वैसे स्टोरी का सीक्वेंस आता जाएगा कि पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था फिर ये हुआ था, ये हुआ था और दूसरा स्क्रोल खोलने से पहले ओपन करने से पहले आप इमेजिन करने लगते हो कि नेक्स्ट क्या होगा आप क्यूरियस होते कि अरे आगे अब स्टोरी क्या होगी तो ये भी एक तरीके का चाइनीज़ पेंटिंग स्टाइल है इट also रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर who decides दैट what पेस ही विल ट्रैवल थ्रू the पेंटिंग अ पार्टिसिपेशन which इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल तो वो बोल रहे हैं कि जब भी कोई चाइनीज पेंटर एक पेंटिंग बनाता है और व्यूअर को दिखाता है कि आप मेरी पेंटिंग देखिए तो वो चाहता है कि व्यूअर जो जो बंदा मेरी पेंटिंग देख रहा है उसका एक्चुअल पार्टिसिपेशन हो यानी कि वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो दिमागी तौर से भी और फिजिकली भी कि वो जब वो मेरी पेंटिंग देख रहा है ऐसा नहीं कि वो पेंटिंग हाथ में लेके खड़ा हो उसका दिमाग कहीं और है अगर उसका दिमाग कहीं और होगा तो वो पेंटिंग को नहीं समझ पाएगा कि किस पर्पस पे वो पेंटिंग बनाई गई और अपनी इमेजिनेशन को नहीं लगा पाएगा तो वो यही चाहते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन व्यूअर का बहुत ज़रूरी है जब कोई चाइनीज़ पेंटिंग्स देखता है ऑल्सो फिजिकल एंड मेंटल जैसे कि वो डाउजी की स्टोरी उसने सामने पेंटिंग रखी तो वो फिजिकल पेंटिंग है और मेंटल यानी कि इमेजिनेशन से वो उस पेंटिंग के अंदर घुस गया तो उसने पेंटिंग बनाई दिखाई एम्पर को और अपनी इमेजिनेशन अपनी मेंटल एबिलिटी से उसने एंटर कर गया पेंटिंग के और गायब भी हो गया तो वही चीज़ चाइनीज पेंटिंग में रिक्वायर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन जो कि फिजिकल होना चाहिए एंड मेंटल बोथ द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़ ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड तो यूरोपियन पेंटर्स क्या चाहते हैं यूरोपियन पेंटर्स मैंने आपको बताया था वो चाहते हैं कि आप उनसे उनकी आइज़ बोरो कर लो जो उन्होंने पेंटिंग बनाई एक्जैक्टली exactly आप भी उसे उसी तरह देखो लेकिन चाइनीज़ पेंटर ऐसा नहीं चाहता वो नहीं चाहता कि आप उसकी आईज बोरो करो ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड वो चाहता है कि आप उसके दिमाग में एंटर करो यानी कि जो, जो, जो उसके दिमाग में सोच थी जो उस वक्त उसके दिमाग में थॉट था और तब उसने वो पेंटिंग बनाई एग्जैक्टली exactly उसी थॉट को भी आप सोचने की कोशिश करो जब आप उसकी पेंटिंग को देख रहे हो द लैंडस्केप इज एन इन वन अस्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस कंसेप्चुअल स्पेस मतलब रिलेशन टू एन एबस्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो एबस्ट्रैक्ट है जो क्लियर नहीं है जो समझ में नहीं आ रही है और किस पे बेस्ड है एबस्ट्रैक्ट यानी आपके आइडियाज पे बेस्ड है और आपके माइंड पे बेसिकली आपके थॉट्स पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो वो बोल रहे हैं कि जब चाइनीज पेंटिंग की बात करते हैं तो जो लैंडस्केप है वो किस पे बेस्ड है इनर वन यानी जो पेंटर है उसने अपनी अंदर से बनाई है यानी अपने दिमाग से सोच के अपने मन से स्पिरिचुअल यानी अपनी सोल तक को उसने इन्वॉल्व कर दिया वो इतना इन्वॉल्व हो कि उसने वो पेंटिंग बनाई है एंड कंसेप्चुअल स्पेस कंसेप्चुअल अपने उसने उसने पूरे अपने दिमाग के सारे कॉन्सेप्ट सारे थाट्स सारे आइडियाज को सबको इन्वॉल्व किया एक पेंटिंग बनाने के लिए दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज शैन शुई लिटरली माउंटेन water which used टुगेदर represent द word लैंडस्केप तो जो हमने चैप्टर का नाम पढ़ा लैंडस्केप ऑफ द सोल अब एक्जैक्टली exactly उसे हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं कि लैंडस्केप का मतलब क्या होता है शानशुई और किस लैंग्वेज में चाइनीज में तो चाइनीज़ में हम लैंडस्केप को शानशुई भी कहते हैं जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर उनके लिए जो माउंटेन वाटर है उसका मतलब यह है कि अगर शांशु की बात हुई तो यानी माउंटेन है और यहाँ पे कोई वैली बह रही है वैली है उसमें से कोई स्ट्रीम कोई रिवर निकल रही है तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताते हैं कि जो पूरा लैंडस्केप है इन दोनों चीज़ों को मिलकर ज़रूर बनता है हम जब छोटे बच्चे होते हैं और हम क्या बना हम अगर आपको याद हो तो हम अपनी ड्राॅइंग क्लास में क्या बनाते थे ऐसे एक पेंटिंग होती थी उसमें यहाँ पे माउंटेंस होते थे बीच में रिवर होती थी यहाँ एक सन होता था यहाँ पे कुछ प्लांट्स होते थे इस तरीके से तो ये पूरी क्या सीनरी हम बनाते थे तो एक्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है शैनशुई जो कि चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है जिस का नाम है माउंटेन वाटर और दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं एक लैंडस्केप यानी ये पूरी बनके जब तक इन दोनों चीजों को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे लैंडस्केप में तो यूनिवर्स अब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का समझे कंबाइंड इन सच अ वे टू द क्वालिटीज ऑफ ईच अदर जब दो चीज़ें ऑपोजिट होती हैं और उन्हें हम कंबाइन कर देते हैं और जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो दोनों अपनी अपनी क्वालिटी साथ में लेके कंबाइन होती है और टोटल में पूरी क्वालिटी इन्हांस कर देती है यानी टोटल में पूरी ओवरऑल चीज़ की क्वालिटी को बेस्ट कर देती है अगर दो अगर ये माउंटेन बेटर है और ये माउंटेन बेटर है दोनों ऑपोजिट हैं मैंने उन दोनों को कम्बाइन किया तो बेस्ट बेटर और बेटर मिलके क्या बन जाएगा बेस्ट बन जाएगा ना तो यहाँ पे ही वो बात हो रही है वो कह रहे हैं मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज अगर ये बेटर है माउंटेन और ये रिवर भी बेटर है और दोनों को जब मैंने मिलाया दोनों को जब मैंने कंबाइन किया दो ऑपोजिट चीज़ों को कंबाइन किया तो कुछ बेस्ट बन जाएगा यानी मेरी लैंडस्केप बहुत बेस्ट बहुत बढ़िया बनेगी एक्जैक्टली exactly उसी की बात हो रही है यहाँ पे दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाउस्ट व्यू ऑफ़ द यूनिवर्स यानी कि इन दोनों को मिलकर हम डाउएस्ट व्यू समझ सकते हैं डाउस्ट व्यू यानी कि वही व्यू जो हमने पढ़ा था यानी कि जिसमें यूनिवर्स की कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में हमने पढ़ा था तो यहाँ पे भी यही बात बोली जा रही है कि जब दो चीज़ों को आप कंबाइन करोगे तो कुछ बेस्ट बनेगा कुछ बेटर बनेगा और यहाँ पे डाविस्ट व्यू हम समझेंगे यानी डाउस्ट व्यू का मतलब ये होता है कि जब आप यूनिवर्स के उस तो तो मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हो उसे ही हम डा व्यू कहते हैं जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं माउंटेन भी और रिवर भी माउंटेन को हम कहते हैं यान और रिवर को या वाटर को हम कहते हैं य

वार्म है क्योंकि वो ऊपर आसमान की तरफ खड़ा है सारे दिन सन की धूप उस पर लग रही है, तो माउंटेन इज वार्म एंड ड्राई इन द सन वाइल द वॉटर इज यिन चाइनीज में वाटर को हम कहते हैं यिन वो हॉरीजोंटल है यानी कि ऐसी बहती है तो इस डायरेक्शन में हुई तो ये हॉरिजोंटल ये वर्टिकल और ये हॉरीजोंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ और ऐसा लगता है कि अर्थ पे धरती पे रेस्ट कर रही है यानी कि लेटी हुई है क्योंकि वो हॉरीजोंटल पोजिशन में है फ्लूड यानी कोई लिक्विड चीज़ है कुछ लिक्विड मटीरियल है मॉइस्ट है यानी कि वेट गीली है एंड कूल यानी उसमें हमेशा ठंडक रहती है पानी में तो उन्होंने यहाँ पे यांग और यिंग का मीनिंग समझाया है यानी माउंटेन और रिवर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया और दोनों की क्वालिटीज बताई है द इंटरक्शन ऑफ द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मैस्कलाइन इज़ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाउज तो जो डाउइजम का जो कॉन्सेप्ट मैं नोशन यानी कि कोई कॉन्सेप्ट हो गया कोई आइडिया होगा और डाउज यानी एक चाइनीज़ फिलासॉफी है जो कुछ राइटिंग्स पे बेस्ड है डाउइजिम का कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखा हुआ है पूरा और इंटरैक्शन का मीनिंग है मीटिंग पॉइंट जब दो चीज़ें एक जगह पर आके मिलती है मीट करती है यानी कि वो इंटरेक्ट कर रही है उसी को हम कॉन्से उस कॉन्सेप्ट को हम इंटरैक्शन कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो यिन है जो कि फेमिनिस्ट पार्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का यानी कि फ़ीमेल को दर्शाती है और यंग जो कि एक्टिव है और मैस्कुलन यानी कि एक मेल एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स को दर्शाता है और इन दोनों का इंटरेक्शन ही कॉन्सेप्ट ऑफ डाउइजम जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं यानी कि जब पहाड़ और यहाँ पे रिवर मिलते हैं तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम डाउज uh, का कॉन्सेप्ट कहते हैं यानी कि ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है दुनिया इसी कॉन्सेप्ट पे चल रही है यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की वो कोशिश कर रही हैं। वॉट इज ऑफ एन ओवर लिग्ड इज एन एसेंस द थर्ड एलिमेंट द मिडिल वर्ड वेयर देर इंटरक्शन टेक्स प्लेस अब वर्ड का मीनिंग क्या होता है वर्ड का मीनिंग होता है एम या खाली कोई जगह जो खाली है अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट क्या है एक एक एलिमेंट क्या है यांग और दूसरा एलिमेंट क्या है यिन यानी एक माउंटेन है और दूसरा रिवर है जो हम लोग मिस कर जाते हैं वो है थर्ड एलिमेंट वो है थर्ड एलिमेंट यानी जो जहाँ पे यांग और यिन इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका जो बीच का एरिया है वो वाइड एरिया है यानी कि वो खाली वेकेंट एरिया है और ये जो थर्ड एरिया है वाइड एरिया जो थर्ड एलिमेंट है वाइड ये इसको हम मिस कर रहे हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन दोनों एलिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है ये हम यहाँ से समझ सकते हैं इस पिक्चर से ये आपके पहाड़ हैं और ये आपकी रिवर है अब यहाँ पे इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कौन सा है ये ये जो बीच की जो स्पेस है एक एलिमेंट यांग दूसरा एलिमेंट यिन इन दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पे जहाँ ये दोनों इंटरैक्ट होते हैं ये बीच का जो थर्ड एलिमेंट uh, है इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं वर्ड ये खाली है यानी ये वेकेंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यही सबसे इम्पोर्टेंट तीनों एलिमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यही एलिमेंट है कौन सा वर्ड क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे इन दोनों का मिलन हो रहा है यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं दिस कैन बी कंपेयर विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्रायणम ब्रीद इन रिटेन ब्रीद आउट द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वर्ड वेयर मेडिटेशन अगर्स तो जो उन्होंने ये डाउज का कॉन्सेप्ट है यान और ये जो थर्ड वाला जो मिडिल वर्ड है इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने किस एक दूसरे एग्जांपल से समझाया है वो है प्राणायाम अगर योगा आप लोग करते हैं या अगर रामदेव बाबा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो ये तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चों प्राणायाम प्राणायाम एक तरीके की ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की प्रैक्टिस है योगिक प्रैक्टिस है योगा में प्रैक्टिस की जाती है तो उसमें क्या होता है हम ब्रीद इन करते हैं यहाँ पे अपनी ब्रीथ को हम क्या कर रहे हैं रिटेन कर रहे हैं रोक के रख रहे हैं एंड देन ब्रीद आउट करते हैं तो जब वो बोल रहे हैं कि हम जब ब्रीद इन कर रहे हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं फिर रिटेन करते हैं यानी कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम सांस को रोक के रखते हैं और फिर ब्रीद आउट कर देते हैं यानी जब हम सांस हमारी छोड़ देते हैं तो ये जो सांस हमने जिस वक्त रोक के रखी थी जब रिटेन करके रखी थी वही है आपका वाइड एरिया यानी वही है आपका थर्ड एलिमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि वहीं पर क्या हो रहा है वहीं पे मेडिटेशन आकर हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है आप ध्यान कर रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट सांस लेना और सांस छोड़ना क्योंकि जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो तब आप सांस छोड़ने के बारे में सोच रहे हो और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो फिर से सांस अंदर लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन जब आप सांस लेके वहीं रुक जाते हो रिटेन कर लेते हो अपनी ब्रीथ को अपनी सांस को तो आप कुछ नहीं सोचते और वहीं पर एक ऐसा पॉइंट होता है जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और एकाग्रता पे फोकस कर रहे हो आप एक एकाग्र हो रहे हो आप तो यही एक पॉइंट है जहाँ पे मेडिटेशन हो रहा है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इन्होंने जो डाविज़म का कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन के एग्जांपल दे और सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या था सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ का मतलब टू रिलैक्स ब्रीदिंग मसल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग जब आप अपनी ब्रीदिंग मसल्स मसल्स यानी यानी सांस लेने की को रिलैक्स कर देते हो रोक देते हो रिटेन करके रहते हो उसी को हम सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ करते हैं यानी कि अपने सांस को रोक लिया द मिडल वॉइड इज असेंशियल जो मिडिल वॉइड था ये सबसे असेंशियल है नथिंग कैन हैपन विदाउट इट हिंस इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन द चाइनीज लैंडस्केप तो अब जो उन्होंने पूरी आपको स्टोरी बताई कि ये यांग है ये यंग है ये मिडिल वर्ड है इसको उन्होंने प्रायाणम से भी आपको एक्सप्लेन किया और बोला कि जब आप सांस को रिटेन करके रखते हो रोक के रखते हो अपने अंदर वही मिडिल वर्ड और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वहाँ पर मेडिटेशन हो रहा है तो इन सबसे वो आपको क्या समझाना चाहते हैं तो वो आपको यही समझाना चाहते हैं चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में कि ये जो चाइनीज पेंटिंग है उसमें इसमें कौन सा पॉइंट है जो वर्ड है इसमें कौन सा पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट और असेंशियल है तो जितने भी ये ब्लैंक स्पेसेस दिख रहे हैं आपको ये खाली खाली वाइट स्पेसेस इधर 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 ये यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्यों क्योंकि वो अनपेंटेड है यानी कि वो उन्होंने पेंट नहीं किए पेंटर ने वो खाली छोड़ दिए वाइट ब्लैंक स्पॉट्स छोड़ दिए उन्होंने तो ये जो ब्लैंक स्पॉट्स हैं वो आपके मिडिल मिडल वाइटर इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि यहीं से ही आप जो हैं जो व्यूअर है वो इमेजिन करेंगे कि हम अंदर गए यहाँ पे कुछ दिखा यहाँ पे कोई स्पिरिट बैठी है क्योंकि यहीं पे हमारी इमेजिनेशन होनी है इसीलिए ये ब्लैंक स्पॉट्स इंपॉर्टेंट है तो चाइनीज पेंटिंग में वॉइड वर्ड एरिया कौन सा होता है ये ब्लैंक स्पॉट्स सो चाइनीज पेंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड एलिमेंट वर्ड एलिमेंट कौन सा है ये ब्लैंक स्पॉट्स आगे पढ़ते हैं दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइन्स अ फंडामेंटल रोल

यहीं पे मैन जो इंसान जो व्यूअर जो ये पेंटिंग देख रहा है उसका फंडामेंटल रोल है यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये जो स्पेस है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स अ कॉन्डोइ फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर स्काई है और ये नीचे क्या है अर्थ है तो स्काई और अर्थ के बीच में ऑब्वियसली कुछ कॉन्वर्जेशन कुछ इंटरेक्शन होता ही है जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझाते हैं तो मैन जो है इसके बीच में कॉन्डोइ है यानी चैनल है वो इन दोनों से इंटरेक्ट करता है और एक दूसरे एक चीज़ से दूसरी चीज़ के मैसेजेस पहुंचाता है तो मैन जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है क्यों और इस पेंटिंग के पर्सपेक्टिव पे जब हम सोचें कि मैन का क्यों इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि वही है जो ये जो ये यांग और यिन के बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे ट्रैवल करता है और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करता है और दूसरी चीज़ी कल्पना अपनी कल्पना को अपनी यूज़ करता है इमेजिन करने में कि यहाँ पर और क्या चीज़ हो सकती है तो मैन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स में भी और इन्होंने ये क्यों समझाया पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए ठीक है आगे हिज प्रेजेंस इज इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस बाय द लॉफ्टी पीक्स ही इज इन इन फ्रेंक्वाइज चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो मैन है उसका प्रेजेंस उसका होना बहुत असेंशियल है बहुत इम्पोर्टेंट है क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो ओप्रेस्ड है यानी बर्डनड है वरिड है आदमी जो है बहुत अप्रेस्ड है वरिड है बर्डनड है और ये लॉफ्टी यानी कि हाई पीक्स ये जो बड़े बड़े पीक्स हैं यानि कि पहाड़ की जो चोटियां हैं उसको वहाँ तक पहुँचना है अब वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन वहाँ तक पहुँचेगा इंसान ही पहुँचेगा ना यानी मान लो ये आपके पहाड़ हैं ये आपकी रिवर है ये आपका पूरा लैंडस्केप है तो यहाँ पे मैन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है यानी आदमी ही है जो पूरा चैनल है इंटरेक्शन के बीच में वही समझ सकता है कि ये कि ये माउंटेन क्या है यांग क्या है ये रिवर यानी यिंग क्या है ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वहाँ पे इमेजिनेशन भी पूरी किसकी लगेगी आपके मैन की यानी इंसान की लगेगी और इसीलिए जो हमारी ऑथर है वो कह रही है कि फ्रेंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन की एक बार जो ऑथर है वो बता रही हैं कि फ्रेंकोइस चेंग्स करके कोई पर्सन थे उन्होंने अपने एक्सप्रेशन यानी अपनी बात में कहा था कि द आई ऑफ द लैंडस्केप यानी कि ये जो लैंडस्केप है ये पूरी सीनरी है उसकी आंखें कौन है मैन क्योंकि वही है जो पूरी लैंडस्केप को देख रहा है समझ पा रहा है कि यहाँ यांग है यानी यहाँ माउंटेन है यहाँ यिंग है यानी कि यहाँ वाटर है और ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां से अपने इमेजिनेशन के थ्रू एंटर करता है और पूरा क्या करता है समझने की कोशिश करता है इमेजिन करने की कोशिश करता है कि यहाँ दूसरी चीज़ें क्या हैं और जो पेंटर के दिमाग में भी घुसने की कोशिश करता है कौन मैन इसीलिए फ्रैंको स्टैंग्स ने कहा था कि द आई ऑफ द लैंडस्केप तो आई ऑफ द लैंडस्केप मैन है क्योंकि मैन फंडामेंटल यूनिट है इस पूरी यूनिवर्स का और चीज़ें समझने की उसके अंदर ताकत है और शक्ति है सो so, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है इसके साथ चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि चाइनीज पेंटिंग्स और यूरोपियन पेंटिंग्स पे बेस्ड है वो ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है गेटिंग इन आउटसाइडर आर्ट ये टाइटल है गेटिंग इन आउटसाइडर आर्ट एक टाइटल है एक न्यूज़ के आर्टिकल का जो कि लिखा था मिस्टर बृंदा सूरी ने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में और इसमें कुछ आर्ट और पेंटर्स के बारे में बात करी गई है इसीलिए इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंच पेंटर जॉन डाब फोर्ट मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रड इन दी नाइनटीन फोर्टीज द आर्ट ऑफ द अन विजनरी वर्स अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो वो बता रहे हैं कि एक फ्रेंच पेंटर है उनका नाम क्या है जॉन डबफोर्ट उन्होंने 1940 में आर्ट ब्रड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और मूटेड का मीनिंग क्या है रेज यानी कि इस कॉन्सेप्ट को उठाया था लोगों के सामने बताया गया था कि आर्ट ब्रट का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया वालों को समझना चाहिए जब 1940 में फ्रेंच पेंटर जॉन डबफोर्ट ने आर्ट ब्रट नाम के इस कॉन्सेप्ट को मूट किया यानी कि उठाया लोगों के सामने रखा तब अनट्रेन विजनरी वॉज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी तब ये कॉन्सेप्ट लोगों में बहुत माइनॉरिटी इंटरेस्ट का था लोग इस कॉन्सेप्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो उनको लग रहा था कि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर इतना ध्यान दिया जाए फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन दंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली पर धीरे 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 वेल्ड यानी कि कवर्ड जो चीज़ ढकी हुई है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये ढका हुआ था यानी दुनिया की नज़रों के सामने भी नहीं आया था लेकिन फ्रेंच पेंटर जॉन डबफोर्ट ने इसको मूट किया यानी दुनिया की नज़रों के सामने रखा और बताया कि इस तरीके का आर्ट ब्रट नाम का भी एक कोई कॉन्सेप्ट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली फास्ट ग्रो इस पे इस पर बहुत फास्ट लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और इंटरनेशनली यानी देश विदेश हिंदुस्तान भारत हर जगह एवरीवेयर इस कॉन्सेप्ट पे बहुत लोग ध्यान देने लग गए अभी आर्ट ब्रट का कॉन्सेप्ट है क्या आर्ट ब्रट का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी किसी पेंटर में पेंटर पेंटर ने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली अपने आर्ट को सीखने के लिए या अपनी पेंटिंग को सीखने के लिए तो उसे कहा जाता है कि आप आउटसाइडर हो आउटसाइडर आर्ट हो यानी कि आप आर्टिस्ट नहीं हो और आपको आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट में जो मिस्टर वृंदा सूरी है उन्होंने ये एक पूरा आर्टिकल लिखा है आर्टिकल अभी और आगे कंटिन्यूड और हम समझेंगे कि उन्होंने और क्या बोला हार्टब्रट के बारे में दिस जॉनरे इज डिस्क्राइबड ए द आर्ट ऑफ दोस हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट as they have received no formal training yet show talent and artistic insight their works are a stimulating contrast क्या था कि जो आर्टिस्ट है जो जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कभी किसी प्रोफेशनल से किसी एक्सपर्ट से अपनी कला को सीखा नहीं उनको आर्टिस्ट कहलाने का नो राइट यानी कोई हक नहीं है क्यों क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली तो ऐसा थोड़ी होता है कितने सारे आर्टिस्ट हैं इस दुनिया में जिन्होंने बहुत सारा पेंटिंग किया हुआ है बहुत सारा अलग अलग आर्ट फॉर्म्स करे हुए हैं लेकिन सीखा नहीं है पर फिर भी वो कितने फेमस हैं फिर भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो आज तक ट्रेंड जो हमारे पेंटर्स हैं या ट्रेंड आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी ऐसा नहीं बनाया डेर वर्कस किन के ये जो अन ट्रेन जिनको जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली उनका जो काम है दे आर स्टिम्यूलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉर्ड ऑफ मेन स्ट्रिंग ऑफ अब स्टम्यूलेटिंग कॉन्ट्रास्ट क्या होता है डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग आर्ट तो ये जो ये जो आउटसाइडर आर्ट्स आर्टिस्ट होते हैं यानी कि जो आर्टिस्ट जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होती वो क्या करते हैं स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट करते हैं यानी कि इनका आर्ट प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है बिल्कुल अलग होता है मेन स्ट्रीम्स ऑफरिंग्स यानी कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग आर्ट तो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग मतलब पुराना बोरिंग तरीका जो सारे लोग सीखते आ रहे हैं वो तरीका जो आर्ट करने का होता है उसको हम मेन स्ट्रिंग मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स कहते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये जो नॉन आर्टिस्ट है जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है उन्होंने वो स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट करते हैं यानि कि वो कुछ डिफरेंट बनाते हैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं यानी कि जो ट्रेंड जिन्होंने मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स करके ट्रेंड ट्रेनिंग uh, ली हुई अपने आर्ट में उन उनसे भी अलग सोच देते हैं और कुछ बेहतरीन बना देते हैं अराउंड द टाइम द बिफोर वॉट प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड अन ट्यूट जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज तो जब ये डबोफोड जॉन डबोफोड इस, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये जो पूरा आर्ट ब्रेड का जो टॉपिक है इसको दुनिया के सामने प्रोपाउंड कर रहे थे यानी स्टार्ट कर रहे थे या पुट फॉरवर्ड या लोगों के सामने रख रहे थे उसी वक्त भारत में हमारे हिंदुस्तान में एक एन एक अन ट्यूट जीनियस क्रिएट कर रहा था पैराडाइज अन ट्यूट जीनियस यानी कि जिसने कोई ट्यूटर नहीं लिया ट्यूशन्स नहीं लिया जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली इस वो वैसा कोई एक जीनियस एक पैराडाइज यानी कि हेवन एक जन्नत क्रिएट कर रहा था हमारे हिंदुस्तान में इयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ गार्डन स्कल्प्टेड स्टोन एंड रिसाइकल मटेरियल इज नोन टू दर्ल्ड टूडे एज अ रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ तो क्या किया मिस्टर नेकचंद जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे ही वॉज एन 80 ईयर ओल्ड मैन उस टाइम पे जब ये डब फोट ने ये कॉन्सेप्ट निकाला था तब वो एट्टी इयर्स के थे अब अगर आज की डेट में अगर हम कैलकुलेट करें तो ही मस बी नाइन्टी प्लस तो जो मिस्टर नेक चंद है इन्होंने क्या किया ये ये परफेक्ट एग्जांपल थे आर्ट ब्रट के क्यों क्योंकि इन्होंने एक क्या किया एक छोटा सा जंगल का एरिया था उसको उन्होंने क्लियर किया यानी पूरा जंगल एरिया उन्होंने क्लियर किया पूरे ट्रीज़ वगैरह वहाँ के हटाए और वहाँ पर उन्होंने पत्थर से स्टोन से और बची कुछ यूज चीज़ें अनयूज चीज़ें यानी जिसका कोई काम नहीं है अब हमारे लिए इस्तेमाल करने के लायक नहीं है वेस्ट है उनको यूज करके उन्होंने क्या बनाया रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ चंडीगढ़ में ये रॉक गार्डन बनाया गया स्कल्पटेड यानी कि क्रिएटेड ये उन्होंने बनाया गया पत्थरों से या फिर रिसाइकिल्ड मटेरियल से वो मटेरियल जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई स्ट्रॉ हो गए टूटे फूटे कांच के पीसेस हो गए उन सब से इन्होंने बनाया और ये अगर आप पिक्चर देखें यहाँ पे तो ये आपको रॉक गार्डन में रॉक गार्डन तो बहुत बड़ा है लेकिन ये रॉक गार्डन का एक छोटा सा पार्ट है छोटा सा पोर्शन है इसको वाटरफॉल विमेन ऑफ वाटरफॉल भी बोला जाता है जो कि इनका सबसे फेमस क्रिएशन था मिस्टर नेकचंद का इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट तो इंडिया का सबसे बड़ा जो आउटसाइडर आर्ट का एग्जाम्पल कौन है मिस्टर नेकचंद फिफ्टी टू थाउटसाइड चंद एंडमन बाई द वॉटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज का तो पाएनियर का मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स पहला इंसान जो नई चीज़ को एक्सप्लोर करता है जो नई चीज़ को डिस्कवर करता है जो फर्स्ट पर्सन होता है उसी को हम पाइनियर कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि यूके बेस्ड मैगजीन एक यूनाइटेड किंगडम की एक मैगजीन है स्प्रिंग 2005 में उस समय पे उन्होंने एक आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस यानी उस उसके ऊपर उन्होंने कोई लेख लिखा कोई आर्टिकल लिखा जिसमें नेक चंद और उनके रॉक गार्डन के बारे में पूरा इसमें बताया गया ऑल्सो जो विमेन ऑफ वाटरफॉल जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में पिक्चर दिखाई थी जो कि उनका सबसे फेमस और सबसे अद्भुत क्रिएशन है उसके बारे में भी पूरा उन्होंने बताया और उनकी कवर पर उनकी किताब का जो कवर है उसके ऊपर भी उन्होंने उसकी पिक्चर को प्रिंट किया नोशन ऑफ आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट ऑफ वर्कट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरलुएंस नोशन यानी कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है आर्ट ब्रट का जिसका एक और नाम है रॉ आर्ट ये क्या है इट इज इट इज इन द रॉ स्टेट ऑफ एज रिगार्ड्स कल्चरलुएंस यानी कि यह क्या बता रहा है इनके इसमें कल्चरल चीज़ें बता रहा है आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस यानी कि एक आर्टिस्ट है वो किस किस थॉट्स को देख के इन्फ्लुएंस हुआ कि जो उसने इतनी अच्छी चीज़ बना दी इसके ऊपर बेस्ड है यानी कि अपने माइंड पे अपनी इमेजिनेशन से जो आर्ट art, आर्टिस्ट बनाता है और उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली रहती तो वो कॉन्सेप्ट है आर्ट ब्रट या फिर रॉ आर्ट का एनी थिंग एंड एवरी थिंग फ्राम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटीरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट समथिंग नेक डिजिंग हाइट्स डिजिंग मतलब प्रूफ ऑफ़ समथिंग किसी चीज़ का प्रूफ जब आप एविडेंस दे देते हो तो वो कह रहे हैं कि मिस्टर नेकचंद ने टिन से लेके कर सिंह तक टूटी फूटी टिन या डब्बों से लेके सिंह कहने ना कि के टुकड़ों तक तक से भी उन्होंने ये रॉक गार्डन बना दिया और प्रूफ दे दिया हमें हमें ये चीज़ बता सॉरी डिजिंग का मतलब अमेजिंग होता है टेस्टिमिनी मतलब प्रूफ ऑफ समथिंग तो इस चीज़ का अमेजिंग एग्जाम्पल किसने बताया हमें हमें मिस्टर नेकचंद ने बताया है रिकोगनाइजिंग हिज़ आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टमिनी तो उनका जो आर्ट है वो एक आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग टेस्टमिनी है यानी कि किसी चीज़ का आउटस्टैंडिंग प्रूफ है हमारे सामने एक आउटस्टैंडिंग एविडेंस दिया है कि येस कि जो आउटसाइडर आर्टिस्ट होते हैं यानी कि जो ट्रेंड होके नहीं आते वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं और उनको आर्टिस्ट कहलाने का बिल्कुल हक होता है क्योंकि वो बिल्कुल अद्भुत चीज़ें सोचते हैं जो पुराने वही ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ तो पेंटिंग में जो सिखाए जाते हैं आर्ट में जो सिखाए जाते हैं उनसे हट होते हैं रिकोगनाइजिंग आउटस्टैंड टेस्टमनी ऑफ द डिफरेंस अंगल मैन कैन मेक वेन ही लिवज इज ड्रीम तो एक सिंगल मैन एक अकेला आदमी अपनी ड्रीम जो उनका सपना था कि मुझे रॉक गार्डन बनाना है वो उसने बनाया द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोज एक्सपोजिशन ऑफ इज वर्क द स्विस कमीशन यूनेस्को है वो उनको ऑनर करेगी यानी उनको रिस्पेक्ट करेगी और कैसे करेगी द फाइव मंथ इंटर शो रियालम ऑफ नेकचंद तो इन्होंने क्या बनाया इन्होंने एक पाँच महीने का शो बनाया जिसका नाम था रियालम ऑफ नेकचंद किसने बनाया स्विस यानी स्विट्जरलैंड के लोगों ने जो कब शुरू होगा? अक्टूबर में उस टाइम पे अक्टूबर में शुरू हुआ होगा वे विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स ऑफ स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस एंड इटली तो स्विट्जरलैंड बेल्जियम फ्रांस इटली इन सब बड़े बड़े कंट्रीज के जो म्यूजियम्स हैं वहाँ पे इनका ये पूरा शो दिखाया जाएगा जिसका नाम है रियालम ऑफ नेक्चन म्यूजियम्स तक इनका पूरा ये पूरा शो दिखाया जाएगा और अक्टूबर में शुरू होना था फाइव मंथ्स का इंटरेक्शन था इसके में इसके बेसिस पे द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सींग पीपल इन्जॉय माई क्रिएशन नेकचंद सेज तो नेकचंद के मुँह से कहा हुआ ये कही हुई कुछ है वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती कि मेरे मेरे इतने सारे जो वीडियोज़ बना के आप अलग अलग कंट्रीज़ के म्यूजियम्स में दिखाए जा रहे हो मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा प्राइज यही है कि जब लोग मेरे गार्डन में वॉक कर रहे हैं और मेरे क्रिएशन को देख रहे हैं और उनको कुछ नया दिख रहा है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए सबसे बड़ी मेरे लिए मेरा प्राइज है और ये पूरा आर्टिकल किसने लिखा है बृंदा सूरी हिंदुस्तान टाइम्स में और कब लिखा था 28 अगस्त 2005 में सो so, हेयर हम लोग का चैप्टर पूरा ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट सब कुछ हमारा खत्म होता है और हमें पता चलता है कि कैसे चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट एक दूसरे से डिफरेंट है और ये बृंदा सूरी के जो आर्ट है जो आर्टिकल है जिसमें क्या बताया गया आउटसाइडर आर्ट के बारे में बताया गया उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिली कि रॉ आर्ट जो लोग जिन जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली हुई है उनके पास भी बिल्कुल हक है बिल्कुल राइट right है एक आर्टिस्ट कहलाने का क्योंकि उनके पास टैलेंट है उनके पास आर्टिस्टिक इंसाइट है एक आर्टिस्ट जैसे सोचने की काबिलियत है ताकत सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद दिस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स तब तक लिए आप सब बने रहिए मैगनर ब्रेंड्स के चैनल पे जहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई पेमेंट करना है या आपको कुछ परचेज करना है कि एक या दो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ परचेस uh, करना है वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक बिल्कुल पहुंचेगा मुफ्त 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 टिल देन बाय एंड स्टे